जो अपने शूज के साथ अपने चेहरे भी बदल लेता है। इस मूवी का नाम है द कॉबलर। मूवी की स्टार्टिंग में हम मैक्स को देखते हैं जो जेंटली अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड शावर ले रही होती है, तो वो उसे भी अपने साथ नहाने के लिए इन्वाइट करती है। मैक्स अपनी हाफ पैंट को उतारता है लेकिन वो एकदम से रुक जाता है। नहीं, मैं अपने जूते नहीं उतार सकता, ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत गुस्सा हो जाती है। मैक्स एक शूमेकर होता है। मैक्स का असली चेहरा ये होता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुछ दिन पहले उसके पास लूडनो नाम का एक अमीर आदमी आता है। वो यहाँ पर अपने शूज को ठीक करने के लिए दे देता है। उसके बाद मैक्स उसके शूज को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और उसकी सिलाई की मशीन अनफॉर्चुनेटली खराब हो जाती है। अब वो अपने बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसे एक पुरानी सिलाई की मशीन मिलती है जो कि उनकी फैमिली बहुत पहले यूज किया करती थी, बट मैक्स ने उसे आज तक यूज नहीं किया था। अब वो उस आदमी के शूज को ठीक कर लेता है। वो उनको चेक करने के लिए कि वो ठीक से सही हुए हैं या नहीं उन्हें पहन कर देखता है, और जैसे ही मैक्स उनको पहनता है एकदम से उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो पूरी तरह से लूडलो बन चुका होता है। इस बात से वो एकदम से हैरान हो जाता है और उन शूज को जल्दी से उतार देता है। शूज उतारते ही वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब मैक्स दूसरे कस्टमर के शूज उसी सिलाई की मशीन से दोबारा से ठीक करता है। आफ्टर दैट वो काफी सारे लोगों के शूज ट्राई करता है। इस बार वो एक ओल्ड मैन बनता है। नेक्स्ट वो एक ऐसा इंसान बनता है जो पहले ही मर चुका है। ये मशीन जेंडर भी बदल सकती थी, इसीलिए वो एक लेडी के शूज को पहनकर एक लेडी बनता है। मैक्स को एक काफी ज्यादा अजीब लगता है और उसके लिए इस बात पर विश्वास कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो नेक्स्ट डे एक बार्बर की शॉप में जाता है ये चेक करने के लिए ये कोई मजाक तो नहीं है। इसीलिए वो एक वेरीफाई मैन को ढूंढता है ताकि वो इस बात को वेरीफाई कर सके कि ये सिलाई की मशीन जादुई मशीन है। एंड वो वेरीफाई करने के लिए उसी बार्बर की शॉप में हर रोज जाता था अलग अलग चेहरों के साथ। एक बार वो एक चाइना के आदमी के शूज को पहन कर आता है जिसके बाद वो चाइनीज लोगों की तरह एक्सरसाइज भी करता है। दरअसल मैक्स जिस आदमी के भी शूज पहनता था उसकी थोड़ी सी एबिलिटी मैक्स के अंदर भी आ जाती थी। इसके बाद वो एक अमीर आदमी के शूज पहनकर एक होटल जाता है जहाँ पर वो फ्री में खाना खाता है क्योंकि वो आदमी काफी अमीर होता है। जिसके बाद वो टॉयलेट में जाकर दूसरे जूते पहनकर आता है जिससे वेटर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे घोस्ट समझता है। इसके बाद वो एक छोटे बच्चे के शूज पहनता है जिससे वो अपने चाइल्डहुड को फिर से जी पाता है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बिलियनर दिखता है। मैक्स उसके घर तक उसका पीछा करता है एंड वो उसे रिक्वेस्ट करके उसके शूज ले लेता है। जिसके बाद वो उस आदमी की लग्जरी कार में बैठकर बिलियनर होने का एहसास करता है। उसी रात मैक्स अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वो चीजों को बहुत ज्यादा भूलने लगी थी। वो मैक्स को भी अपना एक रिलेटिव समझ रही थी। दरअसल मैक्स जब छोटा था उसके पिता उसकी माँ को बिना गुड बाय कह के ही चले गए थे जिससे उसकी माँ काफी ज्यादा दुखी हुई थी और ना ही उनकी कोई खबर आज तक यहाँ पर आई थी। और उनके जाने के बाद मैक्स की माँ की तबीयत खराब होती ही चली गई। अब मैक्स अपनी माँ से उनकी आखिरी इच्छा पूछता है। वो कहती है कि मैं अपना आखिरी मिल तुम्हारे डैड के साथ करना चाहती हूँ। मैक्स उन्हें कहता है मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर आज आपसे मिला दूंगा, आप डिनर के लिए रेडी रहना। अब मैक्स घर में अपने फादर के पुराने शूज को ढूंढता है जो उसे मिल भी जाते हैं। मैक्स अपनी माँ के लिए 30 साल से कुछ भी नहीं कर पाया था लेकिन अब उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर सके और उन्हें खुश कर सके। उसी शाम उसकी माँ काफी अच्छी तरीके से तैयार होती है एंड लिविंग रूम में जाकर बैठ जाती है। दरवाजा खुलता है और मैक्स की माँ अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाती कि आज उसका हस्बैंड वापस आ चुका है। उसकी आखिरी इच्छा पूरी होने जा रही है। वो कहता है कि इन बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड लाया हूँ। अगली सुबह वो इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। मैक्स अपनी माँ को खोकर काफी दुखी होता है, बट जिमी जो बार्बर शॉप का ओनर है वो काफी अच्छा होता है। वो मैक्स को ज्यादा दुखी ना रहने के लिए बोलता है। अब मैक्स की दुकान पर लूडलो आता है। वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड था क्योंकि मैक्स ने अपना स्टोर कई दिन से नहीं खोला था जिस वजह से लूडलो अपने शूज टाइम पर नहीं ले पाया था। इसका कारण मैक्स अपनी मम की डेथ बताता है लेकिन लूडलो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इस बात से मुझे क्या मतलब और उसे काफी ऑफेंसिव वर्ड्स बोलता है। मैक्स यहाँ पर खामोश रहता है और उसे कोई भी एक्सक्यूज नहीं देता। अब लूडलो गुस्से में अपने शूज लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब मैक्स को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बदला लेने का सोचता है। अब मैक्स अपने जूतों का बैग उठाकर उसका पीछा करता है। मैक्स बार बार अपने शूज बदलकर उसके सामने आता रहता है और उसका पीछा करता रहता है। अब मैक्स लूडलो के घर से बाहर जाने के बाद खुद लूडलो के शूज पहनकर घर के अंदर आ जाता है। वहाँ पर वो उसका कोई कीमती सामान चुराने के लिए आया था जिससे उसे काफी दुख पहुँचे। अनएक्सपेक्टेडली उसे वेपन्स मिल जाते हैं लेकिन वो उन्हें चेक करने लगता है लेकिन वो गलती से अपने हाथ में शॉक मशीन से शॉक लगा लेता है। जब उसे होश आता है वो गैंगस्टर के शूज पहन लेता है ताकि वो घर से बाहर निकल सके।
लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, लूडलो और मैक्स दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। लूडलो एकदम से शॉक हो जाता है, वो जल्दी से मैक्स पर हमला कर देता है, लेकिन मैक्स के हाथ में शॉक मशीन होती है और वो लूडलो को शॉक दे देता है। जब लूडलो को होश आता है तो वो कुर्सी से बंधा हुआ होता है, लेकिन अब मैक्स अपने शूज को बदल चुका होता है, इसीलिए वो एक टीनेजर होता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन लूडलो कोई जवाब नहीं देता। अब मैक्स कमरे के अंदर जाकर एक लेडी बनकर बाहर आता है। लूडलो उस लेडी को देखकर बहुत डर जाता है। लूडलो से कहता है कि मेरी सारी महंगी घड़ियां तुम रख लो, बट मुझे छोड़ दो। अब इस टाइम दो ठग्स घर की डोरबेल बजाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास एक खास ऑफर है। मैक्स सोचता है कि चलो उनके साथ थोड़ा मजाक कर ले जाए। वो फिर से लूडलो बनकर बाहर आता है। वो मैक्स को अपने बॉस से मिलवाते हैं। बॉस के हाथ में पैसों से भरा एक बंडल होता है। वो मैक्स को एक मिशन देती है कि तुम्हें स्ट्रीट्स में रहने वाले सभी आदमियों का पीछा करना है और उनके घर की तलाशी लेनी है। उस गली में मैक्स शूज रिपेयर नाम की एक शॉप भी है। तुम्हें ये पता लगाना है कि उस बार बार के पास ऐसा क्या है कि वो इतनी महंगी गाड़ियों में आजकल घूम रहा है। वो तो एक कॉबलर है, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। तुम्हें इस बात का पता लगाना है और आसपास के घर के लोगों की भी तलाशी करनी है। मैक्स तुरंत इस काम के लिए एग्री हो जाता है। मैक्स यहाँ पर कुछ नहीं कहता और फिर से लेडी बनकर लूडलो के घर जाता है। बट लूडलो अब आजाद हो चुका था, उसके हाथ में गन होती है। अब इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मैक्स इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसने हाई हील्स पहनी है और वो लूडलो पर लगातार हील से वार करता चला जाता है और हील सीधा उसके गर्दन में लगती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मैक्स सब कुछ छोड़कर जल्दी से वहां से निकल जाता है। मैक्स ने इतना बड़ा क्राइम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था, इसलिए वो पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह वो हिचकिचाता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। मैक्स अब डिसाइड करता है कि वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देगा। मैक्स कहता है, सर मैंने एक 9 मीटर के आदमी को हाई हील से मार दिया है। लेकिन पुलिस वाला उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मैक्स कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं मिलती। मैक्स अब डाउट में अपनी शॉप में जाता है, जहाँ उसे अपने क्राइम का सामान दिखता है, उसी लेडी के शूज और पैसों से भरा बैग। अब इस मोमेंट पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसने पैसों वाला बैग और वो शूज वहीं पर छोड़ दिए थे। अब मैक्स को काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है और वो डिसाइड करता है कि ये पैसे वो वापस कर देगा। बट जिमी उसे देख लेता है और उसे रोक लेता है, क्योंकि जिमी मैक्स को कुछ दिन से नोटिस कर रहा था कि उसकी हरकतें कुछ अजीब हो रही हैं। वो काफी अनकॉन्शियस से रहता है, कुछ दिन से स्टोर भी ढंग से नहीं खुल रहा है, तुम सारे दिन गायब रहते हो, अभी ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे कुछ साल पहले तुम्हारे पिता के साथ हुआ था। ये बात सुनकर मैक्स और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन मैक्स जिमी की बात नहीं सुनता और उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। अब वो उस लेडी के पास जाता है जिसने उसे पैसे का बंडल दिया था, लेकिन मैक्स लेडी बनकर जाता है। वो गैंगस्टर लेडी कहती है कि अब मनी वापस नहीं की जा सकती और पीछे से एक आदमी मैक्स पर हमला कर देता है एंड मैक्स बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक गाड़ी में लेटा होता है। अब मैक्स उनकी बातें सुनने लगता है। वो कह रहे होते हैं कि हमें इस आदमी से फिर से डील करनी होगी। अब मैक्स अपने शूज को फिर से बदल लेता है और वो इस बार मरे हुए आदमी के शूज पहनता है, जिससे उसका चेहरा काफी खतरनाक हो जाता है, जिससे इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन मैक्स रियल एस्टेट एजेंसी के पास जाता है, जहाँ से वो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि इल्लीगल प्रॉपर्टीज को खरीदने बेचने वाले इस काम में सबसे बड़ा क्राइम मैन कौन है जो इन सभी गैंगस्टर्स को कंट्रोल करता है, जहाँ से उसे मिस्टर सोलोमन के बारे में पता चलता है। ये आदमी उन सभी गैंगस्टर्स का बॉस होता है। मैक्स सोलोमन के शूज चुरा लेता है एंड वो एक मीटिंग रखता है जिसमें ये सभी गैंगस्टर्स आते हैं। वो उन्हें कुछ बातें बताता है जो इन्हें काफी अजीब लगती है। अब वो गैंगस्टर लेडी फिर से सोलोमन के घर जाती है। अब रियल सोलोमन कहता है कि मैंने तो कोई मीटिंग रखी ही नहीं है, मैं तो तुमसे मिला भी नहीं हूँ। और इसी टाइम चारों तरफ से रिपोर्टर्स वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि मैक्स ने मीडिया को सारी बातें खुद जाकर साफ साफ बता दी थी जब वो सोलोमन बना हुआ था, कि हम इल्लीगल काम करते हैं, हम दूसरे घरों में चोरियां करते हैं और सारे बुरे काम करते हैं। इसीलिए अब रियल सोलोमन को पकड़ लिया जाता है और उसके साथ साथ इन गैंगस्टर्स को भी पकड़ लिया जाता है। बट मैक्स की परेशानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती और एक दिन उसके दुश्मन उसे किडनैप कर लेते हैं, लेकिन तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक व्हाइट रोशनी मैक्स के सामने आती है और उसकी आंखें बार बार की शॉप में खुलती हैं। अब मैक्स को समझ में आता है कि जो भी अब तक चल रहा था वो सिर्फ एक सपना था। अब जिमी उसके सामने अपने शूज उतारता है और वो मैक्स के फादर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो बहुत साल पहले इन्हें छोड़कर चले गए थे। वो इतने सालों से मैक्स के साथ रहते आ रहे थे उसके नेबर के रूप में, सिर्फ उस सिलाई मशीन की वजह से, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो चुके थे और वो अकेला रहना चाहते थे, लेकिन वो उनके नेबर के रूप में रह के उनका हमेशा ध्यान रखते थे। अब मैक्स कहता है, लेकिन डैड मैंने एक गलती की है, मैंने लूडलो नाम के आदमी को मार दिया था। इसके जवाब में वो कहते हैं कि जिंदगी में हमारे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है
जिसे हम कभी करना ही नहीं चाहते। लेकिन आज तक हमारी लाइफ में जो भी हुआ है उसका कारण सिर्फ एक ही चीज है, ये शूज। अब मैक्स के फादर अब उसे एक बड़े कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों के पुराने शूज रखे हुए थे। अब दोनों गले मिलते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।